सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, किसी व्यक्ति से आप पूछें कि आप नरक में रहना पसंद करेंगे या स्वर्ग में रहना पसंद करेंगे, मैं समझता हूं सबका एक ही उत्तर होगा कि हम स्वर्ग में रहना पसंद करेंगे। लेकिन प्रश्न यह है, स्वर्ग में रहना पसंद करेंगे तो स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग पाने के लिए या स्वर्ग में रहने के लिए आप क्या कर रहे हैं? केवल चाहने से स्वर्ग मिल जाएगा? यदि चाहने से स्वर्ग मिलता तो हर आदमी को स्वर्ग मिल गया होता, दुनिया में कोई दुखी ना होता। केवल चाहने से स्वर्ग नहीं मिलता है, उसके लिए प्रयत्न करना होगा। और एक बात यह भी समझना होगा, इस धरती के बाहर आकाश में कहीं स्वर्ग या नरक नहीं है। आकाश में माना गया स्वर्ग और नरक केवल कल्पना है। मरने के बाद कहा जाता है कि अमुक आदमी का स्वर्गवास हो गया। हमारे देश में यह कहने का प्रचलन है, जब किसी आदमी का स्वर्गवास हो जाए, शरीर छूटता है, तो यही कहा जाता है कि अमुक आदमी का स्वर्गवास हो गया। लेकिन मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग में गया कि नरक में गया हमें क्या मालूम? जो मरा वो बताने के लिए लौट करके आया नहीं भैया कि मेरा नरक हुआ है कि स्वर्ग हुआ है। जो जीवित है उसने देखा नहीं है कि वो कहां गया। लेकिन रस्म है कहने का कि अमुक आदमी का स्वर्गवास हो गया। तो मरने के बाद तो हर आदमी स्वर्गी हो जाता है। जो मर गया उसके नाम के आगे लिखा जाता है स्वर्गी अमुक। मरने के बाद स्वर्ग से कोई मतलब नहीं होगा, जीते जी स्वर्ग को जीवन में उतारना होगा। यदि आज हम जीते जी नरक में निवास कर रहे हैं तो मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना बेकार है। स्वर्ग को अपने जीवन में उतारें, स्वर्ग को अपने परिवार में उतारें, जहां आप रहते हैं वहां स्वर्ग उतारें। हर जगह हर क्षण हम और आप स्वर्ग में निवास कर सकते हैं। आवश्यकता केवल इतनी है कि अपने मन को सब समय निर्मल और प्रसन्न रखें। जिसका मन निर्मल और प्रसन्न है वह हर समय स्वर्ग में निवास कर रहा है। भले ही वह टूटी झोपड़ी में फटी चटाई पर बैठा हो, फटा कपड़ा पहना हो और नमक और भात ही क्यों ना खा रहा हो, लेकिन यदि कोई व्यक्ति भव्य भवन में निवास करता है, ऐसी कमरे में रहना हो रहा है, कीमती कपड़े पहना है, कीमती गाड़ी उसके पास है, कीमती भोजन कर रहा है, लेकिन मन में ईर्ष्या है, घृणा है, द्वेष है, अशांति है, तनाव है और मन अनेक प्रकार के विकारों में डूबा हुआ, चिंतित और भयभीत है, तो वह आदमी भव्य भवन में रहते हुए भी नरक में निवास कर रहा है। ये मकान स्वर्ग और नरक नहीं देता है। गाड़ी घोड़े कीमती वस्त्र स्वर्ग और नरक नहीं देते हैं। स्वर्ग और नरक तो हमारे मन की स्थिति पर निर्भर है। मन गंदा है, विकारी है, चिंता और भय में डूबा हुआ है तो नरक में निवास हो रहा है।
मन निर्मल है, प्रसन्न है, शांत है, स्वर्ग में निवास हो रहा है। लेकिन इसके लिए प्रयत्न हम कितना करते हैं कि अपने मन को निर्मल और प्रसन्न रखें। सबसे पहले आप एक काम करें, जो आदमी यहां जितने लोग बैठे हुए हैं सब के सब अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। पहला काम ये करें कि अपने घर को आप स्वर्ग बनाएं। कैसे बनाएं? कहा जाता है स्वर्ग में देवी और देवता निवास करते हैं। जहां देवता निवास करते हों, देवियां निवास करती हों, वो स्वर्ग है। तो एक काम आप करें, सुबह जब आपकी नींद खुले और नींद खुलने के बाद घर में जितने लोग हैं, जितनी नारियां हैं, माँ, बहन, पत्नी, सास, बहू, पुत्री, भाभी, छोटी बड़ी किसी उम्र की नारियां हैं, उन पर दृष्टि जाए तो ये समझिए ये सब देवियां हैं। और जितने पुरुष हैं, किसी भी रिश्ते में हों, किसी उम्र के हों, उन पर दृष्टि जाए तो आप ये समझें कि ये सब देवता हैं। जब आपको अपने घर के सदस्य स्त्री और पुरुष देवी और देवता समझ में आने लगेंगे और उनके साथ आप कोमल व्यवहार करेंगे, मीठा व्यवहार करेंगे, सेवा सहयोग और एकता का व्यवहार करेंगे, तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। यही नहीं हो पाता है, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर, थोड़ी थोड़ी वस्तुओं को लेकर, अपने अहंकार और कामना को लेकर पिता पुत्र में तनाव है, भाई भाई में तनाव है, पति पत्नी में तनाव है, सास बहू में तनाव है, एक दूसरे से बातचीत बंद है, तो कितनी भी पूजा कर लो स्वर्ग नहीं मिल सकता है। कोई भगवान आपको स्वर्ग दे ही नहीं सकता है। स्वर्ग पाना आपके अपने हाथ में है। जहां आपकी मर्जी हो पूजा करो, पाठ करो, भजन करो, कीर्तन करो, नाम जपो, गंगा स्नान करो, जो करना हो वो करो, उसके लिए मैं रोकता नहीं हूं, आपकी मर्जी। लेकिन जिन लोगों के साथ रहते हैं उनके प्रति सुंदर व्यवहार तो हो। दुर्भाग्य यह है, मंदिर में हम जाते हैं वहां किसी महापुरुष की मूर्ति रखी है या चित्र रखा है, तो उस मूर्ति और चित्र को हम भगवान भगवती मानकर, देवी देवता मानकर पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, आरती करते हैं, उसकी वंदना करते हैं, उसे फूल चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन अपने घर में जो लोग रहते हैं उनके साथ प्रेम से बात भी नहीं कर सकते। पूजा करके आएंगे मंदिर में और वहां जो मूर्ति बैठी हुई है, चित्र रखा हुआ है, वहां तो वंदना कर लेते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही भाई हो, तुम ही मित्र हो, और जब मंदिर से पूजा करके घर में आए तो पिता से झगड़ा कर गए, भाई से झगड़ा कर गए, पुत्र से झगड़ा कर गए, मां को डांटने लगे, सास को या बहू को डांटने लग गए, कैसी पूजा है ये? मंदिर में बैठी हुई मूर्ति को आपने फूल चढ़ाया, कभी आप श्रद्धावश अपने पिता को फूल चढ़ाए? कभी श्रद्धावश साल में एक बार दो बार भी कभी अपने माँ को आपने दो चार फूल दिया लाकर? स्वर्ग कैसे मिलेगा? असली देवी और देवता आपके घर में निवास करते हैं और उनके साथ मनमुटाव चल रहा है, कलह चल रहा है, तकरार चल रही है,
लड़ाई और झगड़ा चल रहे हैं, फर्क कैसे मिलेगा? आप एक काम करें, जब भी सुबह नींद खुले, नींद खुलते ही आप यह संकल्प करें कि आज मैं घर में जितने भी सदस्य हैं उनके साथ कभी कठोर वचन में बात नहीं करूंगा, उनको देखकर मैं दुखी नहीं होऊंगा, किन जितने सदस्य हैं सबके साथ प्रेम से बात करूंगा, प्रेम पूर्वक व्यवहार करूंगा और उनको देखकर मैं हर समय प्रसन्न और शांत रहूंगा। रोज ऐसा संकल्प करें, देखते जाएंगे कि धीरे धीरे घर के लोगों के प्रति आपका व्यवहार इतना कोमल और मीठा हो जाएगा कि आप स्वयं आश्चर्य करेंगे और आपको लगेगा कि मेरा घर स्वर्ग बन गया है। आपके घर में हर क्षण हर समय आनंद की धारा बहती रहेगी। यही काम नहीं हो पाता है, बाहरी मंदिर में जाकर पूजा कर लेना बड़ा सरल होता है, घर में आकर मन का सरल रहना, शांत रहना, प्रसन्न रहना, लोगों से सुंदर व्यवहार करना, अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरे का ध्यान रखना, ये कहां होता है? क्यों कलह है घर में? खाने को नहीं मिलता है इसलिए कलह है, ऐसा तो नहीं है। सब लोगों को खाने को मिलता है, सब लोगों को पहनने को कपड़े मिलते हैं और सब लोगों को रहने के लिए जगह मिलती है, बिस्तर मिलता है। इसके बाद दुख क्यों है मन में, कलह क्यों है? अपना अहंकार और स्वार्थ के कारण। सब लोग ये सोचते हैं कि अच्छी वस्तु मुझे मिले और ज्यादा मिले, ये स्वार्थ जहां आएगा कि मुझे ज्यादा मिले, अच्छी वस्तु मिले और मुझे किसी के सामने झुकना ना पड़े, मुझे किसी की बात माननी ना पड़े, सब लोग मेरे सामने झुकें, सब लोग मेरी बात माने, बस शुरू हो गया नरक। हर आदमी का अपना अहंकार है, छोटे को भी अहंकार है, बड़े को भी अहंकार है। अहंकार किसी के पास कम थोड़े है, आप बड़े हैं, यदि बड़े होकर के आप नहीं झुक सकते तो जो छोटा है वो क्यों झुकेगा? वो कहेगा मैं क्यों झुकूं, जैसे पिता जी करते हैं वैसे मैं करूंगा, जैसे सास करती है बहू होती है ऐसे मैं करूंगी, मैं क्यों झुकूं, मैं किसी से कम थोड़े हूं। कोई आदमी अपने को किसी से कम नहीं मानता, और जब कोई किसी को से अपने को कम नहीं मानेगा, झुकेगा नहीं, तो वहां तकरार तो होना ही होना है, कलह तो होना ही होना है। झुकना सीखना होगा, जो झुकता है और झुक करके दूसरों को आदर देता है वह दूसरों के दिल में अपने लिए जगह बना लेता है। विनम्र बनने की आवश्यकता है। सद्गुरु कबीर तो कहते हैं सबते लघुता भली, लघुता ते सब होए, जस द्वितीया को चंद्रमा शीश नवे सब कोए। विनम्रता सबसे अच्छी है और विनम्रता से सब कुछ मिल जाता है। जैसे द्वितीया के चांद को सब नमस्कार करते हैं, द्वितीया का चांद कितना झुका हुआ होता है, कितना विनम्र होता है, लेकिन सब द्वितीया के चांद को नमस्कार करते हैं, पूर्णिमा के चांद को कोई नमस्कार नहीं करता। इसलिए विनम्र बने, जीत की इच्छा का त्याग, जहां जीत की इच्छा होगी कि सबको मैं जीत लूं, सबको अपने अधिकार में कर लूं, सब पर अपनी स्वस्थता कायम कर लूं,
सब लोगों से अपने अपनी बात मनवा लूं, वहां नरक का निवास होगा। सदगुरु कबीर की साखी है, हारा सो हरि को मिले, जीता जमपुर जाए। जो हार जाता है वह हरि से मिलता है, और जो जीतने की इच्छा रखता है वह जमपुर को जाता है। हरि से मिलने का अर्थ क्या है? हार गए, विनम्र बन गए, झुक गए, आपके मन में शांति आ गई, और दूसरे को भी सोचना पड़ा, मन में शांति और संतोष का आना, ये तो हरि से मिलना है। और जीत की कामना रखेंगे तो ये हर समय शिकायत रहेगी, अमुक ने मेरी बात नहीं मानी, अमुक ने मेरी बात नहीं मानी, अमुक ने मेरी बात नहीं मानी, अमुक ने मेरा सम्मान नहीं किया, अमुक ने मुझे आदर दे ही नहीं दिया, मैं गया तो उनके उनके घर तो मुझे ऊंची जगह पर नहीं बैठाया, सामने नहीं बैठाया। ये भावना, यही तो नरक में निवास करना है। विनम्र बन जाए, झुक जाए, बस हरि की प्राप्ति हो जाती है। विनम्र आदमी की ही जीत होती है। इस पर एक उदाहरण याद आता है, सुना होगा आप लोगों ने, मैं दोहराता हूं। कौरव और पांडव दोनों कुरुक्षेत्र के मैदान में अपनी अपनी सेना लेकर खड़े हैं आमने सामने। महाभारत की लड़ाई शुरू होने वाली है, बिल्कुल एकदम अब तैयारी है लड़ाई की, बस युद्ध का नगाड़ा बजना है और लड़ाई शुरू होना है। थोड़ा सा समय है, इतने में होता क्या है, युधिष्ठिर अपने रथ से उतरते हैं, जूता निकाल देते हैं, सारे अस्त्र शस्त्र को रथ पर छोड़ देते हैं, खाली शरीर, नंगे पैर, हाथ जोड़े, सिर झुकाए, अकेले जाते हैं कौरव पक्ष की तरफ। कौरव पक्ष तो शत्रु का पक्ष है, उनसे लड़ाई होनी है, लेकिन उधर ही जाते हैं, बिल्कुल अकेले, किसी को साथ नहीं लेते हैं, कोई अस्त्र भी नहीं है, नंगे पैर, खाली हाथ, जोड़े ही सिर झुकाए हुए, सब देख रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। कौरव पक्ष के पास जब पहुंच गए, तब कौरव पक्ष के जो महारथी हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, ये तीनों अपने रथ से उतर गए नीचे। देखिए कि युधिष्ठिर आ रहा है, नीचे उतर गए। युधिष्ठिर जाते हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य तीनों को प्रणाम करते हैं। भीष्म पितामह पितामह ही थे, उनके पिता के बराबर थे। द्रोणाचार्य उनके शस्त्र विद्या के गुरु थे, और कृपाचार्य उनके कुल गुरु थे। तीनों को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, पितामह, गुरुवर, लड़ाई होने वाली है, आशीर्वाद मांगने आया हूं, आशीर्वाद दें कि इस लड़ाई में मेरी जीत हो। तीनों कहते हैं, जाओ, तुम्हारी जीत होगी। लौट पड़े आशीर्वाद लेकर। लौटे तो दुर्योधन ये सबको देख रहा था, तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कौरवाचार्यों को खूब डांटा, कृपाचार्य को, कि आप हमारे पक्ष के सेनापति हैं, हमारी ओर से लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके बल पर मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, लड़ते हैं मेरी ओर से और आशीर्वाद देते हैं जीत की मेरे शत्रु को, तो लड़ेंगे कैसे मेरी ओर से? तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तीनों ने कहा, दुर्योधन, तुम भूल करते हो, युधिष्ठिर इतना विनम्र बनकर हाथ जोड़कर हमारे पास आए और आशीर्वाद मांगे, तो हमारा कर्तव्य होता है आशीर्वाद देने का। तुम चूक गए दुर्योधन, यदि तुम अपने अहंकार को छोड़कर विनम्र बनकर युधिष्ठिर के पास गए होते और कहते, भैया आपका आशीर्वाद चाहिए, तो जीत के आशीर्वाद तुम्हें मिल गया होता, लेकिन तुम तो चूक गए। तुम्हें अहंकार है अपनी सेना का, तुम्हें अपना अहंकार है अपने बल का, तुम्हें अहंकार है अपने राज्य और धन का। युधिष्ठिर ने सबका अहंकार छोड़ दिया, विनम्र बन करके वे आशीर्वाद मांगने आए, इसलिए उन्हें जीत का आशीर्वाद मिल गया। मैं ये कह रहा था, जो झुकना जानता है
बड़ों के सामने, बुजुर्गों के सामने, गुरुजनों के सामने, विद्वानों के सामने उत्तरोत्तर वह ऊपर उड़ता चला जाता है और अंत में जीत उसकी ही होती है। दूसरों पर जीत नहीं, अपनी पर ही जीत, अपने स्वयं पर जीत। दूसरों पर जीत करके क्या करेंगे, अपने पर जीत हो जाए बस स्वर्ग मिल गया। दूसरों को जीत कर कोई स्वर्ग नहीं पा सकता है। दूसरों को जीतने की जितना इच्छा रखेंगे उतना कलह बढ़ेगा, अशांति बढ़ेगी, बैर विरोध बढ़ेगा। दूसरों पर जीत की इच्छा छोड़ करके अपने पर जीतने की इच्छा, अपने आप पर संयम, अपने आप पर नियंत्रण, आत्मा अपने आप पर कंट्रोल जो कर लिया, हर समय उसके पर लिए स्वर्ग ही स्वर्ग है। तो मैंने प्रश्न उठाया था कि हर आदमी स्वर्ग में जाना चाहता है, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए कर क्या रहा है, हमारी क्या तैयारी है। किसी ने आपसे पूछा, बताओ आप स्वर्ग जाना चाहते हो कि नरक, तो उत्तर हुआ मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। उन्होंने प्रश्न किया, स्वर्ग जाने के लिए क्या किए हो, कितना पुण्य किए हो, तो क्या बताएंगे, कोई तैयारी है? कोई भी तैयारी हमारी नहीं है, न बाहर तैयारी है और न भीतर तैयारी है। बाहर तैयारी क्या है? बाहर की तैयारी है जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिनके बीच रहते हैं, उनके साथ सुंदर व्यवहार। और सुंदर व्यवहार तब तक नहीं हो सकता जब तक स्वार्थ और अहंकार का त्याग नहीं होगा। और स्वार्थ अहंकार हर आदमी का बढ़ा हुआ है, हर आदमी के मन में भोग की लालसा है, मुझे ज्यादा मिले, अधिक से अधिक सुख मैं भोगूं। कला तो होना ही होना है, आप सब जानते हैं। आज विज्ञान का जमाना है, विज्ञान का युग है, विज्ञान ने बड़ा कमाल किया है। जहां कहीं की यात्रा करने में पहले महीनों का समय लगता था, आज वहां हम घंटों में पहुंच जाते हैं। आप यहां जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वे लोग सब जानते होंगे, देखे होंगे वो लोग भी अपने जमाने में। पहले यदि यहां से किसी को जगन्नाथ जाना होता, चलो मैं जगन्नाथ यात्रा कर रहा हूं, तो जगन्नाथ आता जाने पहले लोग अपने क्रियाक्रम खुद कर जाते थे, खिला पिला के पता नहीं लौटे या न लौटे। रामेश्वर जाना होता था तो अपने सब लोगों को, भाई बिरादरी को, रिश्तेदार को बुला करके खिला पिला देते, भैया कहीं मर के बीच में नहीं लौट पाएंगे तो क्या होगा, हमारे जीते जी हम खिला देते हैं। बड़ी कठिन यात्रा थी, बड़ा लंबा समय लगता था, लेकिन अब जाओ टिकट कटाओ, 24 घंटे में पहुंचो, एक दिन रहो, दूसरे दिन तीसरे दिन घर में वापस आ जाओ। और हवाई जहाज से तो और साधन सुलभ हो गया, घंटों में पहुंच जाओगे। तो जहां पहले कहीं की यात्रा करने में महीनों का समय लगता था, वहां आज घंटों का समय लगता है। दुनिया के किसी कोने में कोई घटना घट रही है तो घर बैठे आप तत्काल उस घटना को टीवी के माध्यम से देख सकते हैं। अब जाना नहीं पड़ेगा वहां पर, दिल्ली में क्या हो रहा है बस घर बैठे टीवी पर आप देखते रहिए, अमेरिका इंग्लैंड में क्या हो रहा है समाचार के माध्यम से घर बैठे आप तत्काल तत्काल देख सकते हैं। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया आपके मुट्ठी में कैद हो गई है, मुट्ठी में मोबाइल है, जहां बैठे हैं दुनिया के किसी कोने में बैठे आदमी से तुरंत तुरंत बात कर लीजिए। तो विज्ञान ने ऐसा कमाल किया, देश की दूरी को विज्ञान ने कम कर दिया, समय की दूरी को विज्ञान ने कम कर दिया, पूरी दुनिया को ला करके मानो आपके घर आंगन में इकट्ठा कर दिया है, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में कैद हो गई है। लेकिन दुर्भाग्य यह, देश की दूरी घटती गई, समय की दूरी घटती गई, लेकिन हुआ क्या, दिल से दिल की दूरी बढ़ती चली गई है। आज पिता से पुत्र का दिल नहीं मिलता, पति से पत्नी का दिल नहीं मिलता, भाई से भाई का दिल नहीं मिलता, सास से बहू का दिल नहीं मिलता है, कहां दिल मिल रहा है? यदि दिल मिल रहा है तो घर घर में कलह क्यों है?
तकरार क्यों है, झगड़ा क्यों है। बिरले घर ऐसे मिलेंगे जहां भाई भाई में बड़ा सुंदर प्रेम हो, पिता पुत्र में बड़ा सुंदर प्रेम हो, सास बहू में सुंदर प्रेम हो। नहीं तो सास और बहू 36 का रिश्ता होता है, सास का मुंह पश्चिम की तरफ तो बहू का मुंह पूरब की तरफ। बिरले बिरले घर ऐसे हो जहां सास और बहू में माता और बेटी का रिश्ता हो। और ये भी आप समझ लें, जिस परिवार में सास और बहू में माँ और बेटी का रिश्ता कायम हो जाएगा उस घर में स्वर्ग अपने आप उतर आएगा, क्योंकि फिर कला सास और बहू में कला होगा ही नहीं। आजकल जब लोगों को शादी करनी होती है अपने लड़के या लड़की की, तो बहुत से लोग खास पढ़े लिखे लोग शहरों में क्या करते हैं, लड़के और लड़की की जन्म कुंडली मिलाते हैं। यद्यपि जन्म कुंडली मिलाना केवल बकवास है, कुछ होते होने वाला नहीं। जन्म कुंडली का अर्थ है भ्रम कुंडली, इसलिए जन्म कुंडली चक्कर में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन शहरों में पढ़े लिखे लोगों में अब ये रिवाज चल पड़ा है कि लड़के और लड़की की जब शादी होती है तो मिलाते हैं जन्म कुंडली। घर अच्छा है, वर अच्छा है, छोड़ देते हैं यदि कुंडली नहीं मिलती है तो। मैं ऐसे लोगों से कहता हूं, आपको अपनी लड़की की शादी करना है या लड़के की शादी करना है तो लड़के और लड़की कुंडली मत मिलाओ, सास और बहू कुंडली मिलाओ, देखो दोनों कुंडली मिलती है या नहीं मिलती है। अरे पति पत्नी कुंडली तो अपने आप मिल जाएगी, सास बहू कुंडली मिलाकर देखो दोनों कुंडली मिलती है या नहीं मिलती है। कुंडली मिलेगी ना तो घर सुंदर बन जाएगा, और सास बहू कुंडली नहीं मिली तो नरक तो होना ही होना है। तो मैं ये कह रहा था घर घर में जो कला है उसका कारण क्या है, भोग लालसा, स्वार्थ की कामना, अहंकार। इसलिए दिल से दिल की दूरी बढ़ी हुई है, और जब तक दिल से दिल की दूरी बढ़ी रहेगी स्वर्ग का अनुभव नहीं हो सकता है, फिर तो नरक का ही अनुभव होगा, नरक में ही जीना होगा। इसलिए आवश्यकता है अपने को देखें, स्वार्थ घटाएं, अहंकार घटाएं, भोग लालसा घटाएं, सेवा का, सहयोग का, समता का प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। जहां प्रेम का व्यवहार होता वहीं स्वर्ग होता है। इसलिए सद्गुरु कबीर ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े तो पंडित होय। इस प्रेम को पढ़ना होगा, और प्रेम पढ़ने में मुख्य बाधा है अहंकार और स्वार्थ। मैं बड़ा ये भावना जहां आएगी वहां नरक होना ही होना है।